हेलो गेमर्स, आज हम आपको दिखाएंगे आईक्यू नियो 6 टच इशू प्रॉब्लम सॉल्व, 100% टच इशू प्रॉब्लम सॉल्व का ट्रिक। इससे पहले भी हम वीडियो बनाए हैं, हम ट्रिक वगैरह बोले थे, लेकिन इतना सॉल्व नहीं हुआ था और फ्लैक्चुअल बहुत ज्यादा हो रहा था। पहले मुद्दे में आ जाते हैं। आईक्यू नियो 6 सबसे बड़ा प्रॉब्लम था टच इशू। इस टच इशू को सॉल्व करने के लिए हमने हमारा लोकल मार्केट में गए थे। लोकल मार्केट में जो बंदा लोग मोबाइल लैमिनेशन, बैक मोबाइल लैमिनेशन करता है मैशिंग के थ्रू, उसके पास जाकर हमने एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, हम वीडियो में आपको दिखा देंगे। स्क्रीन प्रोटेक्टर जो बहुत ही 3 लेयर का होता है, बहुत ही स्लिम मैट फिनिश स्क्रीन प्रोटेक्टर हम लगा चुके हैं। आप देख सकते हो ये मैट फिनिश स्क्रीन प्रोटेक्टर। हम लाइट को ऑफ कर देते हैं और आपको पता चल जाएगा ये मैट फिनिश स्क्रीन प्रोटेक्टर। बहुत ही थिकनेस, बहुत ही पतला सा है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर। आपको 150 का मिल जाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर। इससे पहले तो हमने 250 रुपये टेम्पर ग्लास लगाया था, वो ग्लास हम उठाकर इसको लगाए। इसको लगाकर रिजल्ट किस प्रकार मिलता है हम आपको दिखाते हैं, गेम खेलकर भी दिखाएंगे और इस रेस्पॉन्स वगैरह हम आपको इस वीडियो में मल्टी टच टेस्टिंग भी दिखा देंगे। वो वाला वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इससे पहले टेम्पर लगाकर किस प्रकार दिक्कत हो रहा था। आप अगर आईक्यू नियो 6 यूज कर रहे हो तो आपको भी पता है टेम्पर ग्लास लगाकर कितना दिक्कत होता है। आप क्राउच फायर करोगे तो बंदा लेट जाता है, उड़ जाता है, बैठ जाता है, इस प्रकार चलो दिक्कत होता है। चलो इस बार हम मल्टी टच टेस्टिंग दिखाते हैं। थ्री फिंगर बढ़िया काउंट किया। इससे पहले हम मोटा टेम्पर के साथ करते थे, लेकिन 3 फिंगर 6 फिंगर देने से 5 फिंगर ही काम करता था। इस बार देखिए मल्टी टच पर हम 5 फिंगर बैठा चुके हैं। आप देख सकते हो 5 फिंगर काउंट हो चुका है बहुत ही बढ़िया से। इस बार और 5 फिंगर ऐड होने वाला है। आप देख सकते हो 10 फिंगर काउंट हो चुका है आपके सामने। 10 फिंगर काउंट हो चुका है। हम जितना भी फ्लैक्चुअल नहीं होगा, हम जितना भी कोशिश कर लेकिन इससे पहले वाला आप वीडियो देखोगे मोटा वाला टेम्पर में बहुत ही दिक्कत हो रहा था उस वाला टेम्पर पर। इतना प्राइस देकर मोबाइल खरीद देंगे और गेम नहीं खेलेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है मोबाइल खरीदने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बना है गेम खेलने के लिए, ये मानते हो? हम भी मानते हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। 877 का प्रोसेसर है ये। और एक खास बात, हम आईक्यू नियो 6 है या नहीं हम आपको दिखा देते हैं। अबाउट फोन आईक्यू नियो 6 डिवाइस नेम, हम एंड्रॉइड 12 में ही चला रहे हैं, लेकिन हम एंड्रॉइड 13 नहीं किए हैं क्योंकि अपडेट होने से बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हमारा कोई ज़रूरत नहीं है अपडेट करने का। ये 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज वाला डिवाइस है। स्क्रीन प्रोटेक्टर किस प्रकार अप्लाई हुआ है, किस प्रकार कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई किया है, हमने स्क्रीन प्रोटेक्टर किस प्रकार कटिंग किया है पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। किस प्रकार मोबाइल का स्क्रीन पर अप्लाई करना है आपको, किस प्रकार कटिंग करना है आपको। 150 का हमको मिला है, आपके एरिया पर आप कितना में मिलता है जरूर से कमेंट कर देना। और प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया सॉल्व हो चुका है। इस बार एक गेम प्ले भी कराकर हम आपको दिखा देते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आपको दिखा देते हैं। इससे पहले जो गेम प्ले करने के टाइम फ्लैक्चुअल होता है, उठ जाता है, फायरिंग बंद हो जाता है, बहुत ही दिक्कत था। अगर आपके पास आईक्यू नियो 6 है तो आप इस दिक्कत से झेल चुके हैं। टच इशू प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम था आईक्यू नियो 6 पर, जो अभी 100% सॉल्व हो चुका है। आप मल्टी टच से ही आप समझ चुके कितना बढ़िया मल्टी टच वर्किंग है। चलो एक TDM गेम प्ले कराकर आपको दिखाते हैं और क्राउच फायर भी आपको दिखाई देंगे। आप अगर देख सकते हो क्राउच फायर, इससे पहले क्राउच फायर करते थे तो एम इधर से उधर हो जाता था, क्राउच दबाते तो एम इधर हो जाता, इस प्रकार कुछ होता है। अभी नहीं, बहुत ही बढ़िया स्मूथ टच रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया करता है। हमको भी मैट फिनिश होने के कारण बहुत ही स्लिम और बहुत ही मस्त। इस बार एम हमारा परफेक्ट हो रहा है। इससे पहले हम एम कर रहे थे लेकिन एम ठीक पॉइंट एरिया पर नहीं हो रहा था। हम जिस एरिया पर एम कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कितना बढ़िया हेड शॉट लग रहा है इस टाइम। टन 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 घंटी बज रहा है। इससे पहले हमारे इस प्रकार गेम प्ले नहीं हुआ करता था। गेम प्ले में बहुत ही सुधार। हम इससे पहले पोको F1 में खेल रहे थे लेकिन हम बहुत बढ़िया खेलते थे। लेकिन क्या करें, ये आईक्यू नियो 6 में जितना टच इशू होता है ना, वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। आप समझ चुके हैं गेम प्ले कितना सुधार हो चुका है। अभी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका गेम प्ले के साथ। आप समझ चुके हो कितना मजा आ रहा है हम गेम प्ले करने में, हम आपको क्या बता। कोई फ्लैक्चुअल वगैरह कुछ नहीं है, कुछ फ्लैक्चुअल नहीं है।
फायरिंग ऑटो फायरिंग बंद ही नहीं होगा। इससे पहले फायरिंग करने के टाइम फायरिंग बंद हो जाता था, फायरिंग के टाइम फायरिंग बंद हो जाता है। इसका जायरो का बात करें तो बहुत ही स्मूथ जायरो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टच इशू एक बहुत ही दिक्कत था जो हमने 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा आपको, कोई टेम्पर ग्लास जो डी प्लस एच डी वगैरह जो टेम्पर ग्लास है आप यूज मत करना, आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा कर आपको बहुत ही बढ़िया। आप 250-250 वाला दो टेम्पर ग्लास हम बर्बाद कर चुके हैं। But I think that we should go. Yeah, I'm feeling great. She broke my heart, but.